देखिए नेक्स्ट वेरी सिंपल एप्लीकेशन है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। दो लाइंस अगर गिवन हो तो उसके बीच में एंगल निकालना। जब हम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना जानते थे तो एंगल बिटवीन टू लाइंस भी निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ चीजें बहुत ही आसान है, क्या करें, ये भी मतलब दीज आर द इजिएस्ट पार्ट इट इज गोइंग ऑन। सो टू लाइंस, लेट से ये फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन सपोज आर वन इक्वल्स टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, ये लाइन लिख लेते हैं। सेकेंड लाइन इज लेट से आर टू इक्वल्स टू ए टू प्लस लैम्डा बी टू लिख लेते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखने हो तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाय ए वन बी वन एंड जेड माइनस जेड वन बाय सी वन। और यही लाइन अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी हो तो एक्स माइनस एक्स टू बाय ए टू लिख देंगे, वाई माइनस वाई टू बाय बी टू, जेड माइनस जेड टू बाय सी टू लिख देंगे। दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म, राइट। तो एक्चुअल में जो लाइंस दो होती हैं उनके बीच में एंगल नहीं होता, उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल होता है। सो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज बेसिकली बेसिकली एंगल बिटवीन बिटवीन देयर पैरल वैक्टर्स, पैरल वैक्टर्स उनके पैरल वैक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो वही मेन एंगल होता है। मतलब लाइन्स मान लीजिए ये दोनों दे रखी हैं लेकिन इनके पैरल वैक्टर्स होंगे। सपोज करो इनके पैरल वैक्टर ये होंगे। सो जो भी एंगल थीटा लाइन के बीच में होगा सेम एंगल उनके पैरल वैक्टर्स के बीच में भी होगा, सेम एंगल विल बी इन बिटवीन दम। सो देयर फॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू, सो कॉस थीटा हम यूज कर ही रहे, कॉस थीटा इक्वल्स टू, देखिए इसका पैरेलल वेक्टर उठाएंगे और इसका पैरेलल वेक्टर लेंगे, इसका पैरेलल वेक्टर है बी टू और इसका पैरेलल वेक्टर है, ये यहीं तक रहने दें, लाइन का पैरेलल वेक्टर्स वही, राइट। सो एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर वेरी इजी, राइट। सो दिस इज बी वन डॉट बी टू, बी वन डॉट बी टू डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी वन इंटू मॉडुलस ऑफ बी टू हो जाता है, राइट। और इसी को यदि आप उसमें लिखना चाहें दैट इज ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, अगर सपोज कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो पैरेलल वेक्टर ये रहे इनके ए वन बी वन सी वन और पैरेलल वेक्टर ए टू बी टू सी टू। सो ए वन ए टू आएगा ऊपर डॉट प्रोडक्ट, ये आ जाएगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर होगा एंड ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर होगा। ये आ गया आपका कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म एंड इट इज इन वेक्टर फॉर्म, एंगल बिटवीन टू लाइंस, राइट। सो दिस इज देयर। और कंडीशन भी बहुत आसान है लिखना, कंडीशन ऑफ कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स, अगर मान लीजिए दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो लिखना है तो बी वन डॉट बी टू जीरो होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, राइट। सो बी वन डॉट बी टू जीरो होगा वेक्टोरियली, और डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब कॉस थीटा जीरो तो मीन्स न्यूमरेटर जीरो लिख देंगे, और ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो होगा। ये दो लाइन्स के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन, वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सेकेंड लाइन, पैरेलल में इनके वेक्टर्स पैरेलल होंगे। सो पैरेलल की कंडीशन ये होगी, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, लाइंस यदि पैरेलल है तो बी वन वैक्टर कुछ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी टू वैक्टर होगा, पैरेलल वैक्टर, राइट। और उसी को हम जो है वैसे लिखते हैं, बी वन वैक्टर आप उठा लीजिए इसका, दैट इज द बी वन वैक्टर, सॉरी बी वन ये रहा ए वन बी वन सी वन और ये बी टू वैक्टर वो है, तो पैरल यदि है सो ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू कर चुके हैं हमें सारा काम, इसलिए मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू होगा। ये सेम कंडीशन तो वैक्टर में भी लिखते आ रहे हैं, वैक्टर भी तो ऐसे ही दो दिए हुए होते थे, और यहाँ जब लाइन की बात आ रही है तो उनके दो पैरेलल वेक्टर्स यूज कर रहे हैं बस, बाकी और कोई फर्क नहीं है। और वो मेन पॉइंट लिख ही दिया आपको कि एंगल बिटवीन टू लाइन इज बेसिकली द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर, दिस इज द की पॉइंट, दैट्स ऑल।
बाकी तो आप ये वर्कआउट तो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस पे बेस क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर वन, वैल्यू ऑफ के सो दैट दिस फर्स्ट लाइन गिवन सेकंड लाइन गिवन मे बी परपेंडिकुलर इज। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे दोनों के जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके जो सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द डी आर्स विल बी इक्वल टू जीरो। सो माइनस थ्री इंटू थ्री के, माइनस थ्री इंटू थ्री के प्लस टू के, टू के इंटू वन आएगा तो वो इतना ही लिखेंगे, एंड प्लस माइनस फाइव इंटू टू, नाउ इट इज गोइंग टू बी जीरो। बहुत ही सिंपल लिखना होता है, माइनस नाइन के प्लस टू के, राइट, एंड दिस माइनस टेन उधर जाएगा प्लस टेन, और माइनस सेवन के लिखेंगे, माइनस सेवन के इक्वल्स टू टेन के इक्वल्स टू माइनस टेन बाय सेवन। वेरी इजी, विद इन टेन सेकेंड्स यू कैन गेट द आंसर, राइट। सो दिस इज द बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर टू पे। एंगल बिटवीन द लाइंस, ये वाला सवाल पुराना AIEEE 2005 का है, और ये क्वेश्चन 2003 में भी आया, सेम क्वेश्चन 2006 में भी रिपीट हुआ। तो मेंस में भी ऐसा हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस रिपीट कर देता है कभी कभार, ठीक है ना, लेकिन उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि रिपीट होंगे, रिपीट नहीं होते। सेम टाइप के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं, बहुत ही पिक्यूलर और क्लासिक क्वेश्चन हैं, वही रिपीट होते हैं बाई चेंजिंग द वैल्यूज, और वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अदरवाइज रिपीटेशन नेग्लिजिबल माना जाएगा, लेकिन ये है 100% रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, एंगल बिटवीन द लाइंस। अब देखिए इसमें पॉइंट, मेन पॉइंट यही है कि इस लाइन को हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। तो जो एक्स टू एक्स लिख रहा है, ये टू एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई इक्वल्स टू माइनस जेड लिख रहा है, एक लाइन ये है फर्स्ट, और सेकेंड लाइन इसने लिखी है दैट इज द सिक्स एक्स, सिक्स एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस फोर जेड। अब देखिए लाइन को इस फॉर्मेट में लिखने के लिए एक्स अपॉन वन बाई टू लिखना पड़ेगा, वाई अपॉन वन बाई थ्री इक्वल टू जेड अपॉन, ये माइनस को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा माइनस वन। तो ये लाइन अपने सिमेट्रिकल फॉर्म में सेट हो गई। इस लाइन को भी आप ऐसा लिखेंगे एक्स बाय वन बाय सिक्स इक्वल्स टू वाई बाय माइनस वन नीचे ले लेंगे इक्वल्स टू जेड बाय माइनस वन बाय फोर नीचे ले लेंगे पूरा, राइट। और इनके वापस जो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स का सम फिर हम चेक करेंगे, अगर जीरो आता है। सो एंगल बिटवीन लाइंस पूछ रहा है, तो हालांकि फॉर्मूला लगाना होता है, चलिए फॉर्मूला लगा लें, बेटर वही रहेगा, राइट। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू, कॉस थीटा इक्वल्स टू दिस इज द माइनस वन बाय ट्वेल्व प्लस माइनस वन बाय थ्री, राइट, एंड प्लस वन बाय फोर, वन बाय फोर डिवाइडेड बाय दोनों के मॉडुलस का डिवाइड होगा, वन बाय फोर प्लस वन बाय नाइन प्लस वन आएगा, और इसमें आएगा वन बाय थर्टी सिक्स प्लस वन प्लस वन बाय सिक्सटीन लिखेंगे, और ऊपर वाले नंबर देखिए ऐड कीजिए तो वन बाय ट्वेल्व प्लस वन बाय फोर माइनस वन बाय थ्री, राइट। सो दिस इज द वन प्लस फोर थ्री माइनस फोर, राइट। तो माइनस फोर प्लस फोर, ऊपर ही जीरो आ गया, यहाँ जीरो आ गया, ये पोर्शन जीरो आने का मतलब यह है कि कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो दीज टू लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। तो हमें डायरेक्ट मिल गया, अगर यहाँ कोई वैल्यू आती तो फिर हम एंगल निकालते, आगे की बात सोचते। जब ये कॉस थीटा जीरो ही हो रहा है तो इट मीन्स थीटा इज 90, राइट। नाउ सी द टू लाइन्स इन क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाइए, ये दे रखा दो लाइन बता रहा है ये, राइट, टू लाइंस, टू लाइंस, दिस इज वन ऑफ द लाइन एंड लगा के सेकंड लिख रहा है। दिस इज फर्स्ट लाइन एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी, बी लिखा है यहाँ, कॉमा जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी, एंड दिस इज द सेकंड लाइन, वो डैश लगा दिए इनमें, विल बी परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ। तो ये कब परपेंडिकुलर होगी वो चेक करना है। तो लाइन को लेकिन पहले हम सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख दें तो फिर हम मालूम कर सकते हैं कि क्या करने का। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्स इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी, और इधर लिख रहा है जेड इक्वल्स टू सी वाई प्लस डी,
अब देखिए इसका क्या ट्रिक है कि इसमें आप वैल्यू बना लीजिए वाई की, एक्स माइनस बी हो जाएगा बाय ए हो जाएगा इक्वल टू वाई हो जाएगा, और यहां से भी यही हो जाएगा जेड माइनस डी अपॉन सी भी वाई है। तो ये जब दोनों वाई के इक्वल है तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सो यू कैन राइट द एक्स माइनस अपॉन एक्स माइनस बी बाय ए इक्वल टू वाई बाय वन कर लो, जेड माइनस डी बाय सी कर लो। तो ये तो एक इक्वेशन हो गई, और सेकंड में खाली डैश डैश लगा रखे हैं, ए डैश बी डैश सी डैश कर रखे हैं। तो यहाँ पे मैं सीधे लिख देता हूँ एक्स माइनस बी डैश बाय ए डैश इक्वल टू वाई बाय वन ही आएगा, जेड माइनस डी डैश बाय सी डैश। आप चेक कर लीजिए उसमें इस इक्वेशन में और उस इक्वेशन में, खाली उसी बात का फर्क है कि डैश लग रहे हैं और बाकी सेम है। तो यहाँ पे भी हमने डैश लगा दी सीधे, ठीक है। और अब दो लाइंस को परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो परपेंडिकुलर तो होगा ए डैश प्लस वन प्लस सी सी डैश इक्वल टू जीरो। सो ए डैश प्लस सी सी डैश प्लस वन इक्वल टू जीरो, रिक्वायर्ड कंडीशन यही हो सकती है, चेक कर लेंगे। ये तो आ नहीं रही है, इसमें बी बी डैश भी है गड़बड़ है, ये भी नहीं है, ये नहीं है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, ए डैश प्लस सी सी डैश प्लस वन इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से बात समझ आती है कि पैरेलल वेक्टर के बीच में वर्कआउट करना है, वही वेक्टर पढ़ रहे हैं हम, कोई नया काम तो कर ही नहीं रहे। सो थ्री डी इज नॉट अ नेक्स्ट टॉपिक, इट इज सिंपली इन अ वेक्टर। तो वेक्टर में जो वर्कआउट किया वही चलता, सारा लाइन का पता चल जाए, डायरेक्शन कोसाइन्स और डी आर आप समझ जाएं, पॉइंट की पोजीशन समझ जाएं और उसको वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख जाएं, दैट्स ऑल। बस इतना ही करना रहता है, इसके बाद नेक्स्ट लेंगे। देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस में क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट लाइन एंगल बिटवीन द लाइंस। तो फर्स्ट लाइन तो ठीक है, 3x = 6y = 2z जो कि सिमेट्रिकल फॉर्म में दी हुई है, उसको हम स्ट्रेट लिखना जानते हैं। और ये लाइन जो है अनसिमेट्रिकल फॉर्म में गिवन है, सेकेंड लाइन दैट इज गिवन इन द अनसिमेट्रिकल फॉर्म। सो वी हैव टू, बिकॉज दो लाइंस अगर के बीच में एंगल चाहिए तो उनके पैरेलल वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पैरेलल वेक्टर हम निकाल लेते हैं खाली सेकेंड लाइन से जो कि अपने अनसिमेट्रिकल फॉर्म में दे रखी है। फर्स्ट वाली लाइन तो ठीक है, फर्स्ट लाइन को आप ऐसा लिख लेंगे दिस इज 3x = 6y = 2z। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स अपॉन 1/3 वाई बाय 1/6 = z/1/2। नाउ इट कैन बी रिटन लाइक दिस, दिस इज द फर्स्ट लाइन। अब सेकेंड लाइन में देखिए क्या प्रॉब्लम है कि ये दो प्लेन से बन रही है, तो इसकी पोजीशन कुछ ऐसी है, लेट से दीज आर द टू प्लेन्स, ये दो प्लेन्स हैं राइट, इस तरह से दो प्लेन होते हैं। तो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो जाने वाली लाइन है वो है, और दोनों प्लेन अलग अलग दे रखे हैं। तो फर्स्ट प्लेन जो है आपका, उसका जो पर नॉर्मल है, देखिए आपको ये चीज नहीं पता हो लेकिन मैं जो यहाँ बतानी पड़ेगी, क्योंकि जो एक्स वाई जेड के कॉफिशेंट्स होते हैं उसके प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल का इसका नॉर्मल है n1 वेक्टर, वो आएगा इसका 3i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस k कैप राइट। ये इसका नॉर्मल वेक्टर होगा जो कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं 3 2 1 3 2। और सेकंड सेकंड प्लेन है उसका नॉर्मल n2 हम अगर लें तो n2 वेक्टर होगा इसका नॉर्मल, दैट इज द दिस सेकंड प्लेन। तो उसका आएगा i कैप प्लस j कैप प्लस माइनस 2k कैप होगा राइट। अब दोनों के नॉर्मल्स जो है इस तरह से हैं, ये दोनों प्लेन्स हैं और ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है। अगर हम दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट राइट। तो जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे विल गेट दिस लाइन, और उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर मिल जाएगा, वही हमें पैरेलल वेक्टर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहां से हम इसके पैरेलल वेक्टर के डीआर हमने यहां से निकाले, इसमें भी वही करेंगे। सो बेटर जो पैरेलल वेक्टर है वो हम इस तरह से निकाल लें, पैरेलल वेक्टर जिसे बोलेंगे वो आपका हो जाएगा दैट इज द आई जे के दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट,
एन वन क्रॉस एन टू, राइट, एंड दिस इज एन वन क्रॉस एन टू वैक्टर, सो दैट विल गिव यू द रिक्वायर्ड वैक्टर. एन वन आप लिख लीजिए 3 2 1, दिस इज 3 2 1, और एन टू हमने लिखा 1 1 -2, उसके कॉफिशियंट्स हैं, तो इसको आप लिखेंगे दिस इज -4 -1, -5 माइनस जे कैप इंटू दिस इज -6 -1, -7 -6 एंड -1 -7, प्लस के कैप इंटू दिस इज 3 -2, सो 1. सो नाउ इट कैन बी रिटन -5i + 7j एंड प्लस के कैप, दिस इज द नॉर्मल वैक्टर, पैरेलल वैक्टर, राइट. सो एंगल बिटवीन दम, तो उसका जो ये पैरेलल वैक्टर बन गया एक तरह से, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ में है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट इसको लेंगे इन दोनों के बीच में, विल फाइंड आउट द रिक्वायर्ड एंगल. सो देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू, तो देखिए इसके पैरेलल वेक्टर जो एक तरह से हम इसको बी रिगार्ड करेंगे, बी वो मैलेंगे बोलेंगे, और ये इसका पैरेलल वेक्टर है. सो उसको आप लिखोगे 1/3 × -5 प्लस, देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इसको चेंज नहीं कर रहे फॉर्म वगैरह को, सीधे लिख दे रहे 1/2 × 1, और डिवाइडेड बाय इनके मॉडुलस आएंगे 1/9 + 1/36 + 1/4 आएगा, एंड अंडर रूट में इनका आएगा 25 + 49 + 1 आएगा, और न्यूमरेटर में देखिए आप क्या आ रहा है, -5/3 आ रहा है, +7/6 आएगा, +1/2 आएगा, एंड डिवाइडेड बाय रूट ओवर वैल्यू रहेगी. इसको थोड़ा सॉल्व करें जरा, 7/6 + 1/2, सो दिस इज द 7 + 2 3, 10/6, यानी कि 5/3 पॉजिटिव हो गया, और तो ये कैंसिल ही हो गया पूरा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये दोनों वैल्यूज रहेंगी यहाँ पे, है ना, बट न्यूमरेटर इज जीरो. नाउ न्यूमरेटर जीरो मीन्स cos थीटा जीरो मीन्स थीटा 90, सो यहाँ पे थीटा आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. हियर वी आर गेटिंग द cos थीटा इक्वल टू जीरो, दैट मीन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, पाई बाई टू, राइट. इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन लेंगे.